पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की स्मृति में बनेगा भव्य स्मारक, जगह चिन्हित करने के निर्देश। बड़ासी पुल की अप्रोच सड़क में आई दरार, मरम्मत का काम शुरू। लक्सर में जमीन विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट, पुलिस पर भी किया पथराव। डोईवाला विधानसभा की थानो रायपुर रोड पर 3 साल पहले बनी बड़ासी भोपाल पानी मोटर पुल की अप्रोच सड़क अचानक शाम धस गई और सड़क पर दरार आ गई, जिसके बाद सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड देहरादून के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुल पर वाहनों के आवागमन को वन वे करते हुए पुल के दोनों छोर पर नोटिस बोर्ड लगाकर वाहन चालकों के लिए सूचना के माध्यम से सतर्क किया गया। पुल के पास पुलिस और नेशनल हाईवे के अधिकारी भी तैनात कर दिए गए ताकि किसी तरह की घटना या अनहोनी न हो पाए। उनका कंस्ट्रक्शन हुआ था, कंस्ट्रक्शन के बाद लगातार जो है डिपार्टमेंट देख रहा है, वॉच कर रहा है। तो अभी कुछ समय पहले अभी इसमें ऐसा फील किया गया कि इसमें कुछ क्रैक्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, तो फिर जो भी ट्रैफिक है और जो भी जनता है उनको बचाने के लिए और उनको जो है उनके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो डिप्रेशन वाला पोर्शन है, डिप्रेशन वाले पोर्शन पर यहाँ पे बैरिकेटिंग लगाई गई है और जैसा उच्चाधिकारियों के द्वारा जो है हमको जिसने निर्देश मिलेगा उस हिसाब से इसमें कार्य किया जाएगा। रामनगर में मॉक ड्रिल के माध्यम से आपदा से निपटने को लेकर प्रशासन द्वारा किए जाने वाले राहत और बचाव कार्यों को लेकर विभागों को आपसी सामंजस्य बनाने का संदेश दिया गया। SDM गौरव चटवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में उत्तराखंड में आए भूकंप के झटकों को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट है। आपको विदित है कि पिछले कुछ समय में जो है भूकंप के झटके जो है वो उत्तराखंड में महसूस किए गए, 2 बार ऐसा हो चुका है। तो उसी के मद्देनजर आज नैनीताल जिले में जो है इसके लिए एक मॉक ड्रिल यानी पूरा अभ्यास किया जा रहा है कि सभी इससे ताकि सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं ऐसी किसी भी आपदा में आपसे समन्वय करके जो है उसको ठीक प्रकार से कर सकें, लोगों के पास पहुंच सकें। तो उसी के लिए आज ये पूर्वाभ्यास है। इसमें हमने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि भूकंप आ चुका है और एक जगह, क्योंकि ये पूर्वाभ्यास है तो इसको बहुत सारी जगह पर ना करके जगह चुनते वहाँ पे हमने ये माना है कि वहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग थी, जैसे आप देख रहे हैं इंटर कॉलेज के पास आवासीय बिल्डिंग है और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग जो है ये हमें क्षतिग्रस्त हो गई है और उसमें 30-40 लोग के फंसे होने की संभावना है। तो उसमें से अब ये सारी हमारी टीम यहाँ पहुँच के उसको रेस्क्यू कर रही है, लोगों को निकाल रही है और उसमें से कुछ जो जिस तरह की अवस्था होगी एज्यूम करते हुए कि जो कम घायल होंगे उनको यहाँ के हॉस्पिटल में, कुछ को हम जो है स्टेजिंग एरिया में ले जाएंगे और वहाँ से जो डॉक्टर की टीम है आगे तय करेगी कि उनको कहाँ किस तरह से मेडिकल एड देंगे। ऋषिकेश के मुनि की रेती स्थित कुंभ मेला पार्किंग में 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय हस्तशिल्प से निर्मित सामान को लोगों के लिए लाया गया है। हस्तशिल्प मेले में लगाए गए उत्पाद जहां लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं, वहीं स्थानीय लोग मेले में आकर अपनी पसंद के अनुरूप सामान की खरीदारी भी कर रहे हैं। मानव कल्याण सेवा समिति द्वारा लगाया गया है, वस्त्र मंत्रालय द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है। ये हमारा 8 तारीख से लेकर 17 तारीख तक की डेट है यहाँ पे और हमारे यहाँ देश विदेश से जो हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट है उसकी बिक्री की जाती है। इसमें हमारे यहाँ UP से हैं, राजस्थान से लोग आए हुए हैं, बस उत्तराखंड से भी लोग आए हुए हैं और ये सामानों की बिक्री होती है और ये प्रमोशनल प्रोजेक्ट होता है। प्रदर्शनी के हिसाब से लोगों को जागरूक किया जाता है कि हाथ से बने हुए चीज़ों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। खानपुर के शेरपुर बेला और माडा बेला गांव के दो पक्षों में जमीनी विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि गेहूं बोने को लेकर शुरू हुए विवाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट पथराव हो गया। इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस पर भी एक पक्ष ने पथराव कर दिया और खानपुर पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। SSP अजय सिंह और SP देहात स्वप्न किशोर ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। SSP के निर्देश पर खानपुर पुलिस ने पथराव करने वाले कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। थाना अंतर्गत जो है शेरपुर बेला और मांडा वाला दो गांव है जिनमें ग्राम समाज की जमीन को लेकर कुछ विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों को पहले भी इसमें 116 में बाउंड डाउन कराया गया था। साथ ही साथ इसमें SDM लक्सर द्वारा भी जो इसमें पैमाइश की गई थी, क्योंकि जो जमीन है उसकी पैमाइश वगैरह हो चुकी थी। आज दोनों पक्षों के काफ़ी लोग 100-150 लोग इकट्ठा हुए थे और इसके बाद उसमें कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। सूचना पर इंस्पेक्टर और चीता वालों को भेजा गया था और चूंकि विवाद ना बढ़े, दोनों पक्षों में झगड़ा ना हो, इसलिए यहाँ के जो प्रधान हैं उनको बोला गया था लेकर कि आप थाने चले, वहीं पर विवाद के बारे में बात की जाए। लेकिन इससे आक्रोशित होकर और वहाँ पर कुछ लोगों ने जो है एक राय होकर पुलिस को पथराव किया और गाड़ी में तोड़फोड़ करी है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ इस विवाद को देखते हुए, चूंकि ये अवैध कब्जे को लेकर कहीं ना कहीं बात आ रही है और दो गांवों के बीच में तनाव बना हुआ है, तो इसमें जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर फोर्स को तैनात किया जा रहा है।
जनपद चंपावत का टनकपुर रोडवेज बस स्टेशन कुमाऊं के सबसे पुराने बस स्टेशनों में से एक है, लेकिन अब जल्द ही टनकपुर का बस अड्डा बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब टनकपुर में ISBT बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत के टनकपुर में बनने वाले इस बस अड्डे का 8 दिसंबर को देहरादून में बकायदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्चुअल शिलान्यास भी कर चुकी है। ये बस अड्डा रोडवेज कार्यशाला के पास जल निगम के गोदाम वाली भूमि और उसके आसपास की जगह पर बनेगा। मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारी कदम है, सीमांत क्षेत्र के लोगों को रोडवेज की बेहतर सुविधा मिल पाएगी। और जैसे कि सभी को मालूम है कि टनकपुर डिपो का वर्तमान बस अड्डा बहुत ही छोटे एरिया में बना हुआ है, मात्र 3.25 बीघा में बना हुआ है। ISBT का निर्माण 14 बीघा में होगा, जिससे बसों का संचालन मैदानी और पर्वतीय मार्गों पर बहुत बेहतर हो पाएगा और जन सुविधा भी बहुत बेहतर मिल पाएगी, इससे क्षेत्र का भी विकास होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा कदम है। वृहद पेयजल योजना के अंतर्गत ग्राम सभाओं में पेयजल संबंधी कार्य चरम पर है। वहीं गरुड़ क्षेत्र में हो रहे कार्य की शिकायत को लेकर अधिवक्ता ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गरुड़ के अध्यक्ष और अधिवक्ता गिरीश कोरंगा ने बताया कि वर्ष 2017 में गरुड़ क्षेत्र के 13 ग्राम सभाओं में पेयजल समस्या देखते हुए लगभग 10 करोड़ की लागत से वृहद पेयजल योजना बनाई गई थी, लेकिन आज भी ये योजना अधूरी है और ठेकेदार से किसी विभाग द्वारा उक्त योजना को अपने अधिकार में नहीं लिया गया है। वहीं अब सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के कार्य से इस योजना को समृद्ध कर नया कारनामा विभाग ने कर दिखाया है। तहसीलदार साहब को नहीं, हमने जिलाधिकारी बागेश्वर को जांच के लिए भेजा है। गरुड़ में 2017 में बृहद पेयजल योजना करके 13 ग्राम सभाओं के लिए एक योजना बनी थी, तो संभवतः 10 करोड़ रुपए की लागत की वो योजना बनी है। तो वो योजना अभी तक जो है अधूरी पड़ी है। उस योजना का क्या हुआ है वो भी किसी को अभी तक जानकारी नहीं है। वो योजना आज तक जो है किसी भी विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में नहीं लिए, यानी कि ठेकेदार से विभाग ने अपने हस्तांतरित नहीं करी है विभाग ने। अब इन्होंने क्या कर दिया, 9 करोड़ 10 करोड़ की वो योजना ख़त्म करके जल जीवन मिशन जो नई योजना सरकार ने बनाई उससे उसको जोड़ के इन्होंने नया जो 5-7-10 लाख रुपये कि और जो है 13 ग्राम सभाओं में अलग अलग टेंडर डलवा के उस योजना को उससे कनेक्ट कर दिया। अब हमारे जो जांच का विषय है वो ये है कि बृहद पेयजल योजना जो आपने बनाई 10 करोड़ रुपये की, उस योजना का क्या करा आपने? जब विभाग के पास वो हस्तांतरित ही नहीं है तो विभाग ने जो है उसमें कैसे अलग से जल जीवन मिशन की योजना जोड़ के नए टेंडर कैसे डलवा दिए? इसलिए हमने इस योजनाओं को, दो जो योजनाएँ इन्होंने कनेक्ट कर रखी हैं, इन योजनाओं की जाँच के लिए DM बागेश्वर को शिकायती पत्र भेजा है और जांच की मांग की है। और जो है जल्द ही अगर इसमें जांच नहीं होगी तो उसके बाद फिर ब्लॉक कांग्रेस गरुड़ जो है अपने नए स्तर से आंदोलन और जो भी 12-13 ग्राम सभाएं हैं उनको लेकर जो है अपना आंदोलन आगे चल। हरिद्वार के भगवानपुर में दिल धरा देने वाली घटना सामने आई है। एक निजी इंटर कॉलेज में शिक्षक पर 3री क्लास के बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट का आरोप लगा है। पिटाई से बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हरिद्वार जिले के भगवानपुर कस्बे में जहां 3री क्लास में पढ़ने वाले एक मासूम को उसी के शिक्षक ने बेरहमी से पीटा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चे के परिजनों ने प्रशासन से स्कूल में हैवान शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक थाना भगवानपुर क्षेत्र अंतर्गत एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें किसी बालक की उसके विद्यालय में पढ़ने के दौरान चोट लगने से मृत्यु होने की बात इलाज के दौरान प्रकाश में आई है। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या घटनाक्रम घटित हुआ है, किस रूप में घटित हुआ है और तत्पश्चात अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरअसल ये घटना लगभग 4-5 दिन पुरानी है और उस संबंध में उस दौरान कोई सूचना उनके द्वारा थाने चौकी में नहीं दी गई थी। तो अब 4-5 दिन पुराने होने के कारण घटनाक्रम के संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जानकारी जुटाना आवश्यक हो जाता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ और अब उसके संबंध में किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इस संबंध में सभी पहलुओं से जानकारी जुटाने के लिए निर्देशित किया गया है। भगवानपुर रहता हूँ मैं, हमारे करीब में ही स्कूल है रहमानिया इंटर कॉलेज, उसमें हमारा पोता 9 साल की उम्र का इसमें पढ़ रहा है। बच्चे दंगा जुंगा कर रही, दंगा मस्ती कर रहे होंगे, उधर से मास्टर आ गया, उन 9 साल इतनी पिटाई करी, उसके सिर में मारा और फिर बाल को पकड़ के उसके मेज में मारा, तो उसे नाक मुझसे खून आया।
बच्चे का इंतकाल हो गया? बच्चा घर आ गया, घर आ गया हमें पता लगा, हमने उससे चलो भाई कोई बात नहीं है ऐसी, इतना ज़्यादा तो खून बाहर नहीं था जिससे वो एकदम हॉपलेस हो गया, हम भी हमने उसे डॉक्टर को दिखाते रहे, वो सहारनपुर ले जाकर हमने भर्ती कर दिया। सहारनपुर का जो डॉक्टर है उसके ट्रीटमेंट से बाहर हो गया, उसने था उसे रेफर कर दिया, रात के पास चल गया चंडीगढ़ में, वहाँ से भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद में उन्होंने जो भी कुछ करा डॉक्टर ने, वो 3-4 या 2 बजे तक आठ। क्या समझते हैं आप, ये हत्या है? बिल्कुल अभी हमारा बच्चा मर गया और हत्या नहीं है हमारी, हमारे सारे घर की हत्या कर दी इस मामले में। तो गुंडा टाइप का आदमी है, मैंने सुना है गुंडा टाइप का जहाँ पूरा भगवान पूरा जो जगह पूरा हमारे साथ हट के बात करो, कितने हंगामे कर लिए इतना, कितनी देरी वहाँ से हो गया, क्योंकि बच्चों की वजह से हर लोग आ जाए, अगर जैसा इसका कॉलेज बंद करवा या कोई ऐसा मामला इसके साथ में करा तो हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जैन बजा कॉलेज बंद हो इसका। तहरीर दे दी आपने पुलिस को? पुलिस को तहरीर दे दी, ऐसी बात नहीं है, रात के हम परेशान हैं। जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों पर कालाडूंगी प्रशासन ने भूकंप के बाद बचाव कार्य का मॉक ड्रिल किया। भूकंप आने से राजकीय इंटर कॉलेज की आवासीय कॉलोनी में कई भवनों के क्षतिग्रस्त होने से 15 लोगों के रेस्क्यू का मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें भूकंप की सूचना मिलते ही SDM रेखा कोहली ने जिले के अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस आपदा प्रबंधन तुरंत मौके की तरफ दौड़े और राहत बचाव कार्य में जुट गए। राहत कर्मियों ने गंभीर घायलों को भवनों से निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में आज भूकंप पर आपदा राहत बचाव की हमारे द्वारा मॉक ड्रिल यहाँ पे की गई। इसका उद्देश्य यही था कि अगर भविष्य में किसी तरह की कोई आपदा आती है, भूकंप आता है, तो उसके लिए कि हम लोग कितना अवेयर हैं, कितना हमारे पास कितने हम लोग जागरूक हैं और कैसे इसको हम फेस करेंगे इन फ्यूचर, अगर ऐसी कोई हमारे पास ये आपदा आती है तो कैसे उसको फेस करेंगे, यही इसका मेन उद्देश्य था। जो आपदा की मॉक ड्रिल थी, एक भूकंप की मॉक ड्रिल थी, और इसको कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इसको मैं देखने के लिए यहाँ पर था। इस मॉक ड्रिल का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि अगर इन रियल इन फ्यूचर ईश्वर ना करे अगर कभी आपदा आती है, इसमें जो हमारा पूरा पुलिस प्रशासन है और हमारा जो प्रशासन है, जो इसकी पूरी जितने टीमें हैं, वो किस तरीके से इसको क्रियान्वित करती हैं आपदा को, और कितने जल्दी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर पाते हैं, और इसके लिए ये मॉक ड्रिल की गई थी और ये मॉक ड्रिल काफ़ी सफल रही है और सबके द्वारा अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन किया गया, अपने कार्यों को अच्छे से अंजाम दिया गया। रुद्रप्रयाग जिले में वन पंचायतों को सुदृढ़ करने की दिशा में वन महकमा जल्द नई कार्य योजना के साथ कार्य कर रहा है। खासकर वन पंचायतों को डिजिटल करने का मुख्य उद्देश्य वन विभाग का है, क्योंकि अभी तक वन पंचायतों के दस्तावेज ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं और ऐसे में तमाम अव्यवस्थाएं भी सामने आती हैं। इसी को देखते हुए वन विभाग वन पंचायतों के सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप देने का कार्य कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड राज्य में बहुत सारे वन पंचायत हैं जो सिविल जो और पंचायती वन है उसका मैनेजमेंट करते हैं, बट इसका अभी तक कोई व्यापक तौर पे सुदृढ़ीकरण का कार्य नहीं किया गया था। तो अभी पिछले एक साल से इसमें प्रयास चल रहा है कि इसको सुदृढ़ किया जाए, तो सभी जो वन पंचायतों में माइक्रो प्लान बनाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जो उनके अभिलेख हैं, सभी जो खसरा खतौनी और उनके जो चुनाव वाले अभिलेख हैं, उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है। साथ ही इसमें जो है इन वन पंचायतों को अभी कुछ दिनों में ट्रेनिंग और वन पंचायत सरपंचों की ट्रेनिंग और उनको जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा, और विगत वर्षों में फिर जो माइक्रो प्लान इनका बना है उस तरह से ये सतत तरीके से अपना वन उपज का विदोहन भी करें और उसके माध्यम से जो कार्य भी करें, इसका प्रयास रहेगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।